इस वीडियो में हम रिसेंटली लॉन्च टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के बारे में 6 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट, कंफर्ट एंड स्पेस। इनोवा पहले से ही इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्पेसियस एमपीवी रही है, बट न्यू इनोवा हाईक्रॉस अब तक की सारी इनोवा से ज्यादा बड़ी है साइज एंड व्हील बेस में, जिसके कारण इंटीरियर में भी स्पेस ओल्डर जनरेशन इनोवा से ज्यादा मिलेगा। एंड अब न्यू इनोवा लेडर फ्रेम चेसिस के बदले मोनोकोक चेसिस पे बनाई गई है, जिसके कारण बॉडी रोल भी अब बहुत ही कम होगा। सो ओवरऑल राइड क्वालिटी एंड पैसेंजर कंफर्ट में न्यू इनोवा हाईक्रॉस बहुत ही कंफर्टेबल कार है। एंड अब न्यू इनोवा हाईक्रॉस में रियर में रिक्लाइनेबल कैप्टन सीट्स भी दी गई है, जो पैसेंजर कंफर्ट को एक और लेवल बढ़ाती है। सेकेंड, फीचर्स। न्यू इनोवा हाईक्रॉस पास्ट की सारी इनोवा से ज्यादा फीचर लोडेड कार है। इवन न्यू इनोवा फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा फीचर लोडेड कार है, जैसे कि इनोवा हाईक्रॉस में पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की क्लस्टर, रिक्लाइनेबल कैप्टन सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग एंड 10 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सो आई डोंट थिंक फीचर्स वाइज इनोवा हाईक्रॉस में कोई कंप्लेंट रहेगी। थर्ड, माइलेज। न्यू इनोवा हाईक्रॉस में अब डीजल इंजन के बदले हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिससे न्यू इनोवा में इजिली रियल लाइफ में 20+ किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी, जो कि इनोवा क्रिस्टा के डीजल के माइलेज से भी ज्यादा है। एंड इतनी बड़ी 7 सीटर एमपीवी में 20+ की माइलेज, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ, वो एक बहुत बड़ी बात है। फोर्थ, साइलेंट एंड रिफाइंड इंजन्स। न्यू इनोवा हाईक्रॉस में अब 2 पेट्रोल इंजन्स दिए गए हैं, एंड दोनों इंजन साइलेंट एंड बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। एंड हाइब्रिड इंजन वाले वेरिएंट में आपको ईवी मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जैसा हमने रिसेंट में हाई राइडर में भी देखा था। ईवी मोड में इनोवा हाईक्रॉस थोड़े टाइम के लिए ओनली इलेक्ट्रिक पावर पे भी चल सकती है। सो ओवरऑल न्यू इनोवा हाईक्रॉस में एनबीएच लेवल बहुत ही कम मिलेगा। फिफ्थ, डिजाइन। एक्सटीरियर डिजाइन सबकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड होती है, बट आई डोंट थिंक ज्यादातर लोगों को न्यू इनोवा के डिजाइन से कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज टोयोटा ने न्यू इनोवा के डिजाइन एकदम सिंपल एंड मॉडर्न रखी है। एंड अब न्यू इनोवा एमपीवी से ज्यादा एसयूवी लगती है, मींस अब न्यू इनोवा हाईक्रॉस ज्यादा मस्कुलर लुक के साथ आती है, जो कि किसी भी एंगल से खराब नहीं लग रहा। सिक्स्थ, रिलायबिलिटी। टोयोटा उनकी रिलायबिलिटी के लिए वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, एंड इंडिया में भी टोयोटा इनोवा की रिलायबिलिटी बरसों से प्रूव हो रही है। सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि न्यू इनोवा हाईक्रॉस भी एक रिलायबल प्रोडक्ट है, जो सालों तक चलेगी एंड इवन फ्यूचर में भी इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो ये तो थे सारे पॉजिटिव्स अबाउट न्यू इनोवा हाईक्रॉस। चलिए अब कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, फ्रंट व्हील ड्राइव। वैसे तो ये टेक्निकली कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिकॉज इंडिया में बिक रही 90% से ज्यादा कार्स फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती हैं। बट पास्ट में सारी इनोवा लेडर फ्रेम चेसिस एंड रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती थी, बट अब न्यू इनोवा हाईक्रॉस फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, जो कि कई सारे इनोवा फैंस के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ज्यादातर लोग मोनोकोक चेसिस से डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज न्यू प्लेटफॉर्म एंड चेसिस के कारण अब इनोवा ज्यादा स्टेबल एंड कंफर्टेबल बन गई है। बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रियर व्हील ड्राइव कार चलाना ज्यादा पसंद है, उनके लिए ये डिसअपॉइंटमेंट होगा। सेकेंड, नो डीजल इंजन। न्यू इनोवा हाईक्रॉस में अब डीजल इंजन के बदले हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि ज्यादा साइलेंट, रिफाइंड एंड एफिशिएंट है। बट टॉर्क वाइज हाइब्रिड इंजन फिर भी पुराने डीजल इंजन से कम पावरफुल है। सो हाइब्रिड ड्राइव करते वक्त जो डीजल इंजन वाली फील आती थी, वो नहीं आएगी। एंड कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डीजल इंजन वाली कार ही चाहिए होती है, सो ऐसे लोगों के लिए न्यू इनोवा ऑप्शन से ही निकल जाएगी। थर्ड, प्राइस। ये वीडियो बनाते वक्त इनोवा हाईक्रॉस की प्राइसेस अनाउंस नहीं हुई, बट जैसे कि ये टोयोटा की प्रोडक्ट है, हम ये इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि इनोवा हाईक्रॉस की प्राइस लास्ट जनरेशन इनोवा क्रिस्टा से ज्यादा होगी। इनोवा क्रिस्टा का टॉप वेरिएंट ऑलमोस्ट 27 लाख प्राइस पे मिलता था, सो हम ये तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यू इनोवा के टॉप वेरिएंट की प्राइस 30 लाख+ से ज्यादा होगी, जो कि इनोवा को थोड़ी सी ओवरप्राइस बना सकती है। सो ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये थे न्यू इनोवा हाईक्रॉस के बारे में 6 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव पॉइंट्स। अगर इसके सिवा भी आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट लगता है, तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।